पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी सुमन जी बताइए, सवाल कीजिए। ये बेटा है 12 साल का, उसके जैसे नाक में डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं नाक के अंदर जैसे मांस बड़ा हुआ है, तो इसका कोई इलाज से पूछना था जी। ठीक है। हेलो। जी जी मैं समझ गया, मेरी बात आप खूब गौर से सुनिए। देखिए, मेरी नज़र में कभी किसी का नाक का मांस नहीं बढ़ता, बल्कि जब उसको नज़ला होता है, आदमी को, आपको या मुझे भी जब नज़ला होता है तो हम जिस करवट में लेटते हैं उस करवट की नाक बंद हो जाती है। एक ग्लैंड्स होते हैं जो नज़ले की वजह से उस पर सूजन आ जाती है और वो फूल जाते हैं। फिर हम करवट ले लेते हैं इधर की, तो इधर का खुल जाता है, इधर का बंद हो जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इनकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी जाए तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वक्त में दवा भी बताऊंगा, हालांकि मैं दवा बताता नहीं, और घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, आपको जो आसान हो वो कर लें। देखिए, दवा है इसके लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए, लेकिन 5 महीने कम से कम देनी चाहिए, एक आधा चम्मच से एक चम्मच तक सुबह, एक इतनी ही शाम को गर्म पानी से। बाहर की चीज़ें खट्टी वगैरह खाना बंद कर दें तो बच्चे और या बड़े ठीक होना मुमकिन है। और घरेलू नुस्खा के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो अलसी 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाप 100 ग्राम, ये तीनों दवाएं लें, और इसमें 20 ग्राम पीपले मिलाएं, जो हमारे किचन के गरम मसाले में पीपले होती हैं, काली और लंबी सी, 1 इंच की 1.5 इंच की, ये 20 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम एक एक चम्मच गरम पानी से खिलाएं। 5 बार गरम पानी बच्चे को पिलाएं, तो काफ़ी वक्त लेना पड़ेगा लेकिन बच्चे का ठीक होना मुमकिन है।